एमएसपी की गारंटी, खाद बीज की आपूर्ति, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वार्ड सचिव की नौकरी स्थायी करने और पंचायत प्रतिनिधियों को पर्याप्त सुरक्षा देने के मुद्दे सहित कई मांगों को लेकर सड़क जाम किया गया। साथ ही आज जेने कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर सरकार मांगों को नहीं मानती है तो मांगों की पूर्ति के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाते रहेंगे। आज हम आने वाले समय में चक्का भी जाम करेंगे और 365 दिन जन अधिकार पार्टी खड़ी रहती है। हमारे समर्थक हमारे साथ है, हमारे युवा विंग हमारे साथ है, हमारा पूरा बिहार हमारे साथ है, हमारा पूरा देश हमारे साथ है। मैं यही कहूंगी कि ये आंदोलन चलता रहेगा और मैं देखती हूँ कि कितनी हिम्मत है प्रधानमंत्री में और कितनी हिम्मत है नीतीश कुमार जी में कि हमें हिला सके। आप पप्पू यादव जी को जेल भेज के देख चुके हैं, आज उनके भाई बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, आज उनके समर्थक यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ी हूँ। जेल भेजिए, हम फिर भी तैयार हैं, फिर जेल से वापस आएंगे और फिर आपके आंदोलन में अपने लोगों के लिए बैठेंगे और गरीब की के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये टॉल के पास है, बाईपास के पास, और चक्का जाम तो होता रहेगा। हम रेल भी रोकेंगे 10 तारीख को, हमारी खुली चुनौती है और आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। हमें फांसी से ज्यादा कोई सजा नहीं दे सकते हैं।